दोस्तों आज हमारे पास है बजाज की पल्सर RS 200 जो कि अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये 2023 मॉडल बजाज की। आज हम जानने वाले इसके बारे में, जो भी डाउट होगा आपको इस बाइक को लेकर सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में। तो वेरिएंट की बात करें तो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है, कलर ऑप्शन आपको तीन देखने को मिल जाएंगे। पहले आपको देखने को मिल जाता है ये जो आप देख रहे हो वाइट कलर, दूसरा मिलने वाला है रेड, तीसरा आपको मिलने वाला है ग्रे कलर। एंड प्राइस की बात की, इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है 2,05,000 रुपये विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर के साथ में। बाकी इस शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। अगर आपको अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं बता दूंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में, क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं, स्पेक्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। सामने से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको टिपिकल सी विंडशील मिलने वाली है, हेडलाइट आपको हालोजन प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, एंड DRL आपको LED मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ऑन होने के बाद में। इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट जो है ऑन करके देख लेते हैं। ये रही इस बाइक की की, आपको दो की मिल जाएगी जो कि कुछ ऐसे रहने वाली है, और ऑन कर लेते हैं। अभी हेडलाइट ऑन करने के लिए एक्चुअली आपको इंजन भी ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल हम देख लेते हैं DRL, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों ऑन होने के बाद। और चलो अभी हम बाइक को भी ऑन कर लेते हैं। सो पहले चेक कर लेते हैं न्यूट्रल पे है। हाँ न्यूट्रल पे है, ओके। देन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, गुड। आ जाते हैं हम सामने। तो ये रही इसकी हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, वन साइड ऑन होगी। एंड हाई बीम देख लेते हैं। सो ये रहा हाई बीम। हाई बीम पे दोनों हेडलाइट ऑन होने वाली है, काफ़ी अच्छा थ्रू आपको मिल जाएगा रात के समय में। इंडिकेटर भी हम देख लेते हैं, ये रहा इंडिकेटर ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। सो फ्रंट से हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी मैं आपको टेल सेक्शन दिखा देता हूँ। टेल सेक्शन बहुत ही प्यारा था दोस्तों, मुझे पर्सनली इसकी जो टेल लाइट है ये LED क्रिस्टल लुक के साथ में मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को पसंद आती होगी। सो रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। और इसका साउंड थोड़ा सा हम सुन लेते हैं, पहले थोड़ा आइडल पे आप सुनो, एंड अभी हम थोड़ा थ्रॉटल दे देते हैं। ऐसा कुछ रहने वाला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये साउंड। तो सबसे पहले बाइक को हमें किल स्विच से ऑफ करना चाहिए, देन इसके बाद की से। और आ जाते हैं अभी हम फ्रंट में। यहाँ पे आपको टू स्टेप फोल्डेबल मिरर मिल जाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे लगा नहीं है, जब डिलीवरी होगा तब लगा के दे देंगे। नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगी। एंड साइड फेयरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क, नेट जैसी डिज़ाइन, और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। 200 की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और चलते हुए हम इधर भी देख लेते हैं। सो इधर से भी सेम ही दिखने वाली है। सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिल जाएंगे, और रियर का ये रहा दोस्तों, आपको मोनोशॉक मिल जाएगा जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो जैसे आपकी हाइट हो या फिर जैसे आपको राइड करना हो। और अभी हम जाते हैं इसके फ्रंट के फेंडर की बात कर लेते हैं। मडगार्ड आपको काफ़ी स्टाइलिश मिल जाता है, कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में ABS की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। इसमें आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क मिल जाता है। डिस्क साइज़ की बात करें, फ्रंट में आपको साइज़ मिलने वाली है 300 mm की, और रियर में आपको मिलने वाली है 230 mm की। एंड टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, जिनकी साइज़ की बात करें फ्रंट में आपको मिल जाएगी 100x80 की साइज़, रियर में आपको मिल जाएगा 130x70 का साइज़। व्हील की बात करें, काफ़ी स्टाइलिश आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगी जिसकी साइज़ फ्रंट एरिया में सेम रहने वाली है। एंड व्हील के ऊपर आप जो ये स्टिकर देख रहे हो, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, रेड, सिल्वर एंड रेड। और दोस्तों डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाता है, वाइब्रेट के ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे, और 200 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड कूलिंग सिस्टम की बात करें तो आपको लिक्विड कूल कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, बड़ा सा रेडिएटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, हॉर्न यहाँ पे रहने वाला है। और साइड फेयरिंग देख लेते हैं, यहाँ सिंपल सा ब्लैक एंड मैट जैसा दिया गया है, सिंपल सा। एंड ये रही साइड फेयरिंग, इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग 3D में, और यहाँ पे यूनिक सा टेक्सचर मिल जाता है जो कि प्रीमियम लुक ऐड करा है देखने में, एंड टच करने में भी ये थोड़ा मतलब फॉर्म वाला फील है, मतलब सॉफ्ट फीलिंग के साथ में आएगा। टैंक पैड, ये नेट जैसी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। नी पैड ये मेटल का है, आपकी चेचिस हो गई। और ये रहा इसका इंजन, इसके इंजन की बात करें तो आपको मिलने वाला 199.5 cc का इंजन, एंड पावर आपको मिल जाएगी 20.5 PS की पावर, जिसमें आपको RPM मिलने वाला है 9,750 RPM, एंड आपको टॉर्क मिल जाएगा 18.7 Nm का 8,000 RPM। और थोड़ा दूर से हम देख लेते हैं, ये रहा इसका फुल व्यू। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, थोड़ा मैं इधर से भी दिखा देता हूँ आपको। तो वाइट कलर देखने में ये बाइक काफ़ी कड़क दिखती भी है। और चलते हैं अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर सेक्शन के बारे में।
सो टेल सेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हो टेल सेक्शन पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। टायर है अगर रियर से बाइक कुछ ऐसी दिखेगी। आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, RS 200 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और सारी गार्ड आपको मिल जाएगा, चैन ड्राइव, चैन कवर, प्लेन राइडर फुटरेस्ट, गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 मिलने वाले हैं, यहाँ पे दिया गया है, पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के 5 ऊपर लगने वाले हैं। साइड स्टैंड ही आपको मिलता है, डुअल स्टैंड नहीं मिलेगा। साथ में आपको साइड स्टैंड या कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा, सेम डिजाइन जैसे हमने वहाँ पे देखा था वैसे दिया गया है। यहाँ पे नी पैड नहीं है शायद, मुझे लगता है जब डिलीवरी हो तब लगा के दे दें। तो हम देख लेते हैं इसका फुल व्यू। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, काफ़ी कड़क लग रही है दोस्तों ये वाइट कलर में। और हम बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। सीट आपको स्पीड मिल जाती है, कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, राइडर को कंफर्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा पिलियंस अगर हम कंपेयर करें तो। और कुछ नहीं, काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, RS 200 की ब्रांडिंग। ग्रैबरेल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जब पिलियन राइडर बैठे तो अच्छे से पकड़ के बैठ सके। और यहाँ पे भी आपको टैंक पैन मिल जाता है, जो कि जब आप टॉप स्पीड करते हो एंड बैंड होकर बाइक को चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रहा इसका टैंक, ये आपको पूरा फाइबर का मिलता है, लेकिन आपको फिनिशिंग एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। फ्यूल टैंक साइज़ की बात करें तो आपको मिलने वाला है 30 लीटर का, और माइलेज मेरे हिसाब से आपको इस बाइक की मिल जाएगी 30 के आसपास। और अभी देख लेते हैं इसका मीटर कंसोल ऑन करके, तो ऑन हो गया मीटर कंसोल। एक्चुअली थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिनों से हो गया, मतलब वही चल रहा है, पुराना हो गया है। यहाँ पे आपका RPM, फ्यूल, यहाँ पे अदर इंडिकेटर, यहाँ पे आपका बताएगा 1 मिनट किस स्विच ऑन करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गियर पोजिशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपका स्पीड बताने वाला है, ऑडोमीटर एंड RPM लिमिट यहाँ बताएगा। और साइड साइड में यहाँ पे देखो आपको कार्बन फाइबर से इसका टेक्सचर भी देखने को मिलने वाला है, और यहाँ से आप सेट रिसेट कर सकते हो आसानी से। मीटर कंसोल में आपको कुल सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और यहाँ की बात कर ले हैंडल बार पे, थ्रोटल, ब्रेक लीवर, गियर सेल्फ एंड स्लिप रेसिंग हैंडल बार आपको मिल जाता है। इधर के हैंडल बार की बात करें, यहाँ पे आपका अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न है पासिंग का एंड क्लच लीवर, साथ में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करें, इसकी विथ है 765 mm और लेंथ है 1999 mm। फ्यूल टैंक 30 लीटर का एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी 157 mm। अगर 160 mm होती तो और अच्छा होता। वेट है 166 kg, व्हील बेस है 1345 mm। इस बाइक में मैं बैठ गया हूँ, अभी आप देख सकते हो मेरी हाइट है 5.9 feet। मैं अच्छे से बैठ गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरी थोड़ा सा मतलब हील ऊपर ही है, मतलब ऐसे फुल फिट नहीं बोल सकते, ऐसे मतलब मुझे प्रेस करना पड़ेगा तब मेरा फुल फिट फ्लोर पे टच होगा। तो आपको अंदाज़ा मिल सकता है, मिल गया होगा कि किस साइड पे लोग चला सकते हैं, मतलब 5.5 प्लस होंगे तो वो आसानी से मतलब थोड़ा हील उनके ऊपर रहेगी लेकिन चला सकते हैं। तो अगर आप 5.5 हो तो आप इस बाइक को ले सकते हो एंड कंफर्ट के साथ में चला सकते हो। और इसकी अपडेट की बात करें तो E20 OBD2 आपको पहले ही मिलता था, अभी मिलता है, सारे स्पेक्स फीचर आपको वही मिलने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसकी प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई है, 2,05,000 के आसपास आपको ऑन रोड पड़ने वाले विद एसेसरीज, हेलमेट आ जाएगा, पार्किंग कवर, सीट कवर, साथ में आपको 5 ईयर का इंश्योरेंस आ जाएगा और वारंटी भी आपको स्टैंडर्ड 5 ईयर की मिल जाएगी। और इस शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।